जॉयदीप रॉय, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर विवेक, एंड थैंक यू रियल सर, एंड इट्स अ क्वाइट इंफॉर्मेटिव सेशन। क्वेरी बताइए। आई हैव क्विक टू थ्री क्वेश्चंस, बहुत जल्दी पूछूंगा। You can ask only one query, so that many questions can be answered. My question is related to everything actually. That's what I'm asking. So okay. If I ask a one question, it will not resolve my problem. Question. No problem. You go ahead. So sir, it's about package B and C. ठीक है, जैसे पैकेज बी एंड सी में अभी जैसे अभी ऑटो अपग्रेड होना चालू हो जाएगा, ठीक है, जैसे मेरे इसमें दिखा रहे हैं कि नियर अबाउट 40 days आर लेफ्ट जो है वो ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा, करेक्ट? ऑटो अपग्रेड का मेरे ख्याल से आपने 1 मई को ज्वाइन किया। मैंने नहीं, जो भी ईपीटी आएगा वो ऑटोमेटिकली ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा, करेक्ट? यस। तो मैं मैनुअल अपग्रेड कैसे कर पाऊंगा? मैं अगर मेरा ऑलरेडी ईपीटी पर्टिकुलर आईडी के लिए ऑटो अपग्रेड में चला गया है, मैं चाहता हूं कि वो ईपीटी कलेक्ट करके मेरी ऊपर की जो आईडी है उसको पहले अपग्रेड करूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी आई गेस? आपका ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वहां पे, आप उसमें चेक करके जो आईडी को नहीं करना चाहते उसको डिसलेक्ट कर दीजिएगा, वो अच्छा। आपका वही आईडी होगा जिसमें आप करना चाहेंगे, तो वो मैं अभी से कर सकता हूँ। I mean, अच्छा, एक और चीज मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इफ पॉसिबल, जो कि मेरे ख्याल से इस प्रेजेंटेशन में सबको हेल्प करेगा, कि हमारा जो पहले पैकेज था जो $50 वाला पैकेज था, और करंट पैकेजेस में जो डिफरेंस, मतलब एक तो डिफरेंस अमाउंट और उस डिफरेंस अमाउंट की वजह से जो उनको एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा, वो थोड़ा सा अगर आप साइड बाय साइड बताएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों के डाउट भी क्लियर होंगे और थोड़ा इजी होगा। लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि पहले कमांडर पैकेज 482 का था, ठीक है, बट आज की रेट में कोई 482 इन्वेस्ट करेगा तो उसको वो कमांडर पैकेज तो नहीं मिलेगा, बट इक्विवेलेंट अमाउंट पे उसको कितना बेनिफिट अभी करंट पैकेज में मिलेगा, वो थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाता तो बेटर रहता। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कि पहले जो कमांडर आईडी में आपका जो अर्निंग था, और अभी मैंने आपको जो इतना मतलब ये पैकेज मिले कि जो अभी मैंने डिस्कस किया, यू कैन सी फ्रेंड गार्डियन आईडी आपके जो 31 आईडीज है ना, यहाँ पे पहला दिन का जो आपका बाइनरी आ रहा है, फाइन, वो आप चेक करो, दोनों मिलाकर वो 58,000 की बाइनरी ओनली गार्डियन आईडी में आ रहा है जो की 31 आईडीज की है। क्रूसेडर में आप देखो जो कि कमांडर आईडी में पहले बाइनरी आ रहा था, दैट वाज 1,40,000, और यहीं पे क्रूसेडर आईडी में आपको 1,50,000 की आपका बाइनरी फर्स्ट डे आ रहा है। अब बोथ बाइनरी एंड आपका महंगा बाइनरी मिला, और अर्निंग की बात करें तो वो आपको 42 लाख तक चला जा रहा है। नहीं, दैट्स फाइन सर, बट आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 11 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वहां पे 482 की है। अब मैं 482 को मैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं अगर 482 को कंसिडर करूं तो उस हिसाब से मैं हेराल्ड प्लस 7 IDAs का, ठीक है, तो मेरा कितना हो गया 7 + 3 = 10, 11, ऑलमोस्ट 11 aces मैं निकाल सकता हूँ 482 में, आई गेस मोर लेस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। 11 IDs निकालोगे, अब उसका अर्निंग भी तो निकालो। जो ये इनकम है डॉलर्स में, आई होप देयर वुड नॉट बी एनी हिडन थिंग, क्योंकि लास्ट टाइम जो इनकम बताई जाती थी उसमें जैसे एक गेम वॉलेट वाला और वो जो इनकम होता था वो हम विड्रॉल नहीं कर सकते थे, बट वो इनकम में कैलकुलेट होती थी हमेशा। नो सी, ये आपको जो लास्ट टाइम पहले से बताया गया ना, गेम वॉलेट की गेम वॉलेट लेके बात किया गया कि आपको वो गेम वॉलेट में रहेगा वो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, वो आपको गेम में जाएगा। और अभी जो आपका गेम वॉलेट में 5 EPTs जो भरा हुआ है गेम वॉलेट का $5, आप उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन अपग्रेडिंग द आईडीज। ओके ओके, यू गॉट माय पॉइंट जयदीप? Yeah, I understood. जो पड़ा हुआ है ना, जो यूज नहीं हो रहा है उसको भी आपको एक परसेंटेज मिलेगा एवरी डे नाउ, राइट नाउ, एवरी मंथ उसको परसेंटेज, जो यूजलेस था आपका पड़ा हुआ है अब उसको कन्वर्ट यहाँ पे लगा के आपका आईडी को अपग्रेड कर लो। ओके, लेट्स सपोज मैं आज अपना पैकेज बी अपग्रेड करता हूँ तो वो कंसिडर आज से 52 वीक्स होगा ना, और जब मैं लेट्स सपोज 2-3 मंथ्स के बाद मैं 239 को अपग्रेड कर देता हूँ तो उस दिन से 52 वीक्स कंसिडर होगा। ठीक है, ठीक है।
सर एक और चीज, अदर देन मैं क्रिप्टो में इस ईपीटी को कैसे विड्रॉल कर सकता हूँ, थोड़ा सा और बता दीजिए कि अगर विड्रॉल के लिए कोई ऑप्शन है तो आपके पास अदर देन क्रिप्टो। अदर देन क्रिप्टो सी आपका यहाँ पे जो भी ईपीटी है आप तीन तरीके से आप इन कैश कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट दैट इन ईपीटी एंड यू कैन टेक दैट इन योर वॉलेट, जो भी वॉलेट आप यूज कर रहे हैं, एंड थर्ड आप वहाँ पे जो भी क्रिप्टो कन्वर्ट करके आप विड्रॉ लगा सकते हो। नहीं क्रिप्टो से तो मुझे ही पता है, अगर मैं क्रिप्टो में नहीं ले जाता ईपीटी को इन कैश ऑल द विथड्रॉज, ऑल द विथड्रॉज एंड डिपॉजिट्स, वी आर इन वेरी ऑथेंटिकल पार्ट, वी डोंट गो फॉर एनीथिंग, ऑल द डिपॉजिट एंड विथड्रॉज विल बी इन क्रिप्टो ओनली, वी आर इन क्रिप्टो ब्लॉकचेन माइनिंग एंड स्टेकिंग, इसीलिए ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है ठीक है, फिलहाल अभी अपने जब आपके आगे जो टीम है जब वो अपग्रेड के लिए आएंगे तो ईपीटी की बहुत ज्यादा मारामारी रहेगी, ईपीटीज बहुत चीज रहेंगे, तो आप उस केस में अपने ईपीटीज को इनकैश कर सकते हैं आगे टीम को अपग्रेड करवाने के लिए, नई टीम के लिए जो जैसा कि अभी तक होता आ रहा है, जैसा कि अभी तक लोग करते आ रहे हैं, तो वो ऑप्शन तो आपके पास रहने वाला ही है अदर देन क्रिप्टो के जब हम बात करते हैं तो। और क्रिप्टो बिकॉज हम वी आर इन क्रिप्टो इटसेल्फ ब्लॉकचेन के अंदर है, तो वहां पर आपके पास तो आपको पता ही तीन चार ऑप्शंस रहते ही हैं, आपके पास बिटकॉइन रहता है, आपके पास इथेरियम रहता है, ट्रॉन रहता है, अभी ईसीएम भी आपके पास में ऑप्शन में है। अगर अदर देन क्रिप्टो की आप बात करते हैं तो दैट इज वेरी सिंपल कि आपने ईपीटीज को अपनी टीम अपग्रेडेशन के लिए, अपनी टीम बिल्डिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप। Fair enough. So, Mr. Vivek, just one more thing, कि without any offense or without any argument, since अभी जैसे company ने एक तरह से ये चीज हमारे ऊपर impose कर दिया, जैसे Mr. Patel बोल रहे थे, मैं कोई argument में नहीं जाना चाहता, तो जैसे within 6 months एक चीज हमें impose कर दिया गया, क्योंकि जब हमने join किया था वही $50 का सुन के, 52 weeks का सुन के किया था, but now things has been imposed to us, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि 6 months बाद फिर से कुछ चेंजेस हो जाएंगे और फिर हमें वो इम्पोज कर दिया जाएगा। That is a fear for everyone. कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये जो चेंज अभी हुआ है, ये चेंज मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ये बहुत पहले से ही प्लान्ड था और ये बराबर हम लोगों को इस चीज के लिए प्रिपेयर करते चले आ रहे थे, बार बार इस चीज के लिए हम लोगों को रिमाइंड कराते चले आ रहे थे लास्ट 3 months से कि वी नाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी टू अ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। और अभी भी क्या हुआ है, कंपनी ने बहुत बेसिक चीज करी है, कंपनी ने ये नहीं किया कि लोगों को कोई फोर्सफुली बोला हो कि आपको पैकेज ए से पैकेज सी में जाना होगा, हमने बेसिक चीज करी, बहुत सारे लोगों ने अपने आप से प्रोएक्टिवली अपने पैकेजेस को पैकेज सी में कन्वर्ट कर लिया है, इवन ऑटो अपग्रेड से पहले और शुरू में जब हमने पैकेज अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था तभी लोगों ने कर लिया था, तो यहाँ पर हमने बहुत बेसिक चीज करी। अभी पैकेज बी में आने के बाद में भी आपकी मर्जी है, आपको पैकेज सी में जाना है तो आप पैकेज सी में अपने पैकेज बी को लेकर जा सकते हैं। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू डू सो, कि मैं भी मतलब नियर फ्यूचर में मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि मैं पैकेज बी करूंगा पहले अपग्रेड, देन मूव टू पैकेज सी, राइट, ताकि वो इनकम ना रुके। जी 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 ठीक है। और देखिए देखिए बिकॉज बीइंग इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग मी वेरी एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड, मतलब बहुत सारे लोग बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये काम ही इतने टेक्नोलॉजी का है कि हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अभी जो आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं, ये अब आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए होने जा रहा है, बिकॉज आपका ईसीएन जो है वो मेटामास्क पे और यूनिस्वैप पे पहले ही अवेलेबल था, अभी क्रॉस चेन्स पे अभी आपका ये ट्रॉन वॉलेट पे अवेलेबल है, ट्रॉन का जो क्लेवर वॉलेट है वहां अवेलेबल रहेगा, अब आप इसको ट्रॉन में भी ले सकते हैं, तो अभी धीरे धीरे और एक्सप्लोर हो रही है कंपनी, बहुत सारे और नए ऑप्शंस आपके पास में आ रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो लोगों को इसमें समझनी होगी और इसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है बट इसमें एक चीज ये है कि इसमें कुछ रैंक में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि जो हमने ऑलरेडी रैंक होल्ड किया हुआ जिसने भी जो भी, वेदर इट्स चांस विल बी सेम, ऑल द बेनिफिट्स ऑल द प्रॉफिट्स व्हिच यू आर गेटिंग बिफोर यू ऑल विल बी सेम एज अर्लियर। अच्छा, बट अब आप हमारी जो ज्वाइनिंग होगी उसके बेसिस पे हमारा रैंक अप होगा, करेक्ट? 100% बिल्कुल, होल्ड किया है इट विल रिमेन द सेम, right okay, that's good thank you so much for the information Mr. thanks Mr. I think Joydeep ka sara questions se sabko answer mil gaya hoga, all the questions has been cleared. I think okay, Dheeraj sir, moving to next part. Yes sir, is it visible? Yes sir, visible sir. Okay अभी जो हम बात करें कि ये चेंजेस जो भी आया हुआ है नाउ
अभी हम सबको मार्केट में पता है कि आवर $50 जो आईडी है ये मूविंग टू $89 इन ए पैकेज एंड व्हाट आर द बेनिफिट वी आर गेटिंग दैट इज $50 की जो ऑल बेनिफिट जो रहेगा दैट विल बी सेम जो भी 7 times ऑफ अर्निंग है हमारे साथ अर्निंग है वो वैसा ही रहेगा वहां पे कुछ भी ये नहीं है सारा अर्निंग मिलेगा एंड $20 की जो आपका रहेगा माय डियर फ्रेंड यू आर वेरी यू विल बी कमिंग टू नो यू आर बी वेरी हैप्पी कि आपका अभी $20 जो रहेगा वो स्टेकिंग में रह जाएगा टोटल और आपका टोटल जो एवरी मंथ का जो रहेगा वो 0.5% का एवरी डे का आपका स्टेकिंग रहेगा टोटल 15% का आपका यहाँ पे टोटल अर्निंग रहता है और जो $19 आपका रेस्ट अमाउंट है उससे आपको डायरेक्ट ECN कॉइन आप हर किसी को मिलेगा हर किसी को अपना ECN कॉइन $19 का ECN कॉइन मिलेगा जो आपका MetaMask वॉलेट में रहेगा एंड प्लस आपका ट्रॉन वॉलेट में आप चेंज है जो कि अभी विवेक सर ने कहा एंड ही इज गोइंग टू क्लियर द एवरीथिंग राइट नाउ विवेक सर कैन यू टेक द चार्ज फ्रॉम हियर ओके माइट बी विवेक सर इज ट्रैवलिंग ओके मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ जो ये हमारे $50 जो आपका रहेगा ऑल बेनिफिट विल बी देयर 20% स्टेकिंग में रहेगा एंड $19 आपको ECN कॉइन जो अभी डिस्कस हुआ था विवेक सर ने कहा कि आपको डायरेक्ट जो आपका रियल मनी वो आपको ECN कॉइन में मिलेगा वो मेटा वॉलेट में आपको इफ यू वांट टू स्वाइप इट थ्रू यूनिसेफ यू कैन स्वाइप इट और इफ यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट और ये ट्रॉन वॉलेट में आपका आ जाएगा अभी आप इससे भी आप इन कैश कर पाओगे मैं अभी रॉयल पूल लेके आपको निकलता हूँ जो लास्ट है क्योंकि वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम राइट नाउ सचिन आ रहा है यहाँ पे क्लियर है यस विजिबल है सर विजिबल है ओके कंडीशन द बॉन्ड ये सब आ रहे हैं Yes, जो yes. हमारे यहाँ पे कंडीशन है जो टोटल आपका जो 1% एंड 2% जो आपको अभी माइनिंग से आपको जो मिल रहा था एंड अभी आपका जो आने वाला है दैट इज रॉयल पेंशन प्लान जो आपको मिलेगा पूल जो है 1% या 2% के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 15 मई तक आपको टाइम रहेगा और क्या क्या कंडीशन है क्या करना है आपको बाइनरी कैसे करके आपको करना है वी विल डिस्कस अबाउट दैट 15 मई तक का ये टोटल टाइम है कंडीशन हमें पता है हमें कोई भी आईडी में हम जब भी ज्वाइन करते हैं लेट टेक एज ए मैरी कोई भी आपका जो अकाउंट है उसका आपका आप अपग्रेड करते हो बी पैकेज से अगर अपग्रेड करते हो सी एक अर्निंग ही रुक रहा है आप लोगों का आप लोगों को समझना है कि आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स आ रहा है बी पैकेज में सी पैकेज में आपका अलग अलग $0.8 करके आपको बी पैकेज में आ रहा है एंड सी पैकेज में $2 करके एवरी डे का माइनिंग रिवॉर्ड मेगा बाइनरी आपको आ रहा है जो कि कोई भी रैंक नहीं चाहिए आप डायरेक्ट आप मेगा बाइनरी में अर्न कर पाओगे जो ओल्ड आपका बाइनरी वो सेम रहेगा सुपर मैचिंग बोनस जो वो सेम रहेगा एंड अर्निंग्स आपको जो एक्स्ट्रा आपको दिया है लेकिन एक और आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाए रॉयल पेंशन प्लान का है यहाँ पे 15th मई तक अगर आप अपना आईडी को बी पैकेज में अपग्रेड करते हो और लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में 31A आईडी को भी अगर बी पैकेज में और सी बी पैकेज में दोनों साइड आप अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट 1% का रॉयल पेंशन प्लान आपको पूल आपको आना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप सी पैकेज में अपग्रेड करते हो अपना आईडी को और राइट एंड लेफ्ट में आप अगर सारे 31A आईडी को अपग्रेड कर देते हो आपको
2% रॉयल पेंशन प्रोग्राम में से आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आपका आईडीपी पैकेज में अपग्रेड है और आपका राइट एंड लेफ्ट में सी पैकेज में अपग्रेड हुआ है, लेकिन आप एलिजिबल सी पैकेज के लिए नहीं होगे रॉयल पेंशन प्रोग्राम के लिए, आप ओनली 1% के लिए एलिजिबल रहोगे, क्योंकि आपका जो खुद का आईडी है वो बी पैकेज से अपग्रेड होकर रखा हुआ है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ये ज्यादा ये नहीं है, वेरी सिंपल एंड क्लियर। ये काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं मार्केट से हमारे पास। विवेक सर इज देयर, सचिन इट इज क्लियर, धीरज इट इज क्लियर। ओके ओके विवेक सर, विवेक सर कैन यू वांट टू गिव एनी क्लियरिटी इन हियर एनीथिंग और इज इट क्लियर? इट्स फाइन धीरज, जस्ट प्लीज मेक श्योर दैट वी हैव टू क्लोज इट बिफोर 9 बिकॉज़ देयर इज अनदर। यस सर, वी विल टेक द क्वेश्चन एंड वी विल कंप्लीट दिस सेशन। या यू कैन टेक 2-3 क्वेश्चंस। सचिन, रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, अगर रॉयल पेंशन प्लान लेके कोई क्वेश्चन, आई डोंट थिंक रॉयल पेंशन प्लान लेके कोई क्वेश्चन रहेगा। इफ एनीवन हैव दे कैन राइज देयर क्वेश्चन, ये इसी के लिए। यस, अगर किसी को रॉयल पेंशन प्लान का कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप अपना अनम्यूट, अभी सब पहले लोअर हैंड्स कर लीजिए और उसके बाद रॉयल पेंशन प्लान से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेरी होगा तो वो पूछ सकता है, बट बी स्पेसिफिक, केवल रॉयल पेंशन प्लान से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कोई भी पूछ सकता है। आप अगर हैंड्स लोअर हैंड नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, आप एक बार लोअर हैंड करके फिर से हैंड रेज कर लीजिए। I think Sachin, there are no question, we can end up this session right now. Yes, yes. Because we have our next session, sir. Also. A few people are raising their hands, so please unmute them and ask. Yeah, sir. Okay, sure, sir. Yeah, Mr. Sharma, Conqueror, Mr. Sharma. मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे कर दिया है। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, रॉयल पेंशन प्लान में जरा एक चीज क्लियर करनी है, जैसे किसी का एक आईडी $50 से लगा हुआ है, ठीक है, आपने बोला उसने 239 में अपग्रेड कर लिया अपनी आईडी को, नंबर वन सी पैकेज में, ओके सी पैकेज में, उसके बाद उसकी टीम में कोई भी 31 एस, 31 आईडी बोल रहे हैं, 31 एस बोल रहे हैं, 31 एस मतलब पूरा एस स्ट्रक्चर 239 का होना चाहिए जी, लेफ्ट में भी और पूरा 31 एस राइट में भी पूरे 239 से एक्टिव होना। करेक्ट करेक्ट सर, 31 एस। अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपका सपोज आप मान के जो आपका आईडी जो है वो आपने सी पैकेज में $239 करके आपने ऑलरेडी है, ओके, अभी आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको 31 एस राइट साइड में करना है और 31 एस आईडी आपको लेफ्ट साइड में करना है, एस सी आईडी मतलब $239 से, तब आप कंप्लीट एस को करना है, टोटल टर्नओवर में 2% का रॉयल पेंशन प्लान में आ जाओगे, 2% में आएगा अगर ये 127 होते हैं तो 1% में आएगा, अगर ये 127 आ जाता है दोनों साइड में तो आप 1% में आ जाओगे सर, मतलब सीधा ये है कि आदमी को अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी आईडी 239 में करके लेफ्ट में भी 31 एस पूरा का पूरा 239 से और राइट में भी 31 एस पूरा का पूरा 239 से, इसका तीनों आईडी 239 से होना चाहिए बस, फिर आपका आप जो ऊपर में बैठे हो आपका अगर मेरी आईडी है तो आप 2% रॉयल पेंशन प्रोग्राम में आ जाओगे और आपको टोटल टर्नओवर का आपको 2% करके पेंशन आना स्टार्ट होगा, करेक्ट है, और ये लाइफ टाइम आएगा सर, आईडी 52 वीक्स है हमारे, हाँ जी 52 वीक्स, वही अगर दोबारा रिन्यू होगा तो फिर दोबारा चलेगा, हाँ ठीक है, करेक्ट है, मतलब कोई आदमी विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ये काम कर सकता है 2%, करेक्ट 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 सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। मिस्टर गणपत प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मिस्टर गणपत प्रजापति सर, थैंक यू, थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। मेरा सवाल था कि सर जैसे हम पैकेज सी में अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो हमारे लेफ्ट और राइट में कितने आईडीज मतलब पैकेज सी में है या कितने आईडीज पैकेज बी में है, कैसे मालूम पड़ेगा सर? हेलो गणपत जी, वो सिस्टम ले लेगा,
हाँ मतलब जैसे एग्जांपल अभी मुझे कंफर्म करना है कि भैया जैसे एग्जांपल 31 आईडी और 31 लेफ्ट और 31 राइट में चाहिए मुझे, तो कोई बाय चांस 31 हुआ है या नहीं हुआ है तो कैसे कंफर्म होगा? जैसे एग्जांपल लेफ्ट साइड में 31 हो गया लेकिन राइट में ओनली 25 है या 30 है, कैसे कंफर्म मालूम करने के लिए कुछ है क्या सर उसमें? हेलो, ये आपको आपकी आईडी पर दिखेगा कंफर्म। ओके ओके सर, ये एक बार मतलब... आपकी आईडी को ओपन करके आपको देगा कि आपके कितने बैलेंस हैं और कितने अपग्रेड हो चुके हैं। सचिन जी, क्या होगा जब आप मेगा बाइनरी चेक करेंगे ना, तो आपके मेगा बाइनरी आपको बताएगा कि आपके आपके लेफ्ट में और आपके राइट में कितने कितने मेगा बाइनरी आपको मिला है, और आप इससे बहुत इजीली आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि जो पैकेज आपका भी रहेगा वहां पर आपको हर आईडी के ऊपर 50 मेगा पॉइंट्स मिलेंगे, और जो आपका पैकेज भी रहेगा वहां पे आपको हर आईडी के ऊपर 150 मेगा पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब आपकी मेगा माइनिंग आया करेगी तो आप उसको आपको पता लग जाएगा कि आपके लेफ्ट में आपके राइट में कितने कितने पैकेजेस अपग्रेड हुए और कितने कितने पैकेजेस अपग्रेड हुए, बहुत आसानी से पता लगेगा। तो मेगा बाइनरी पॉइंट जो है बी पैकेज और सी पैकेज मिला के दिखाएगा या बी पैकेज का अलग रहता है सी पैकेज पैकेज का अलग रहेगा सर? क्यों अलग अलग दिखाएगा? अलग अलग अलग। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। विवेक सर, कैन वी क्लोज द सेशन सर? 8:30 इट इज ऑलरेडी। सचिन एक दो क्वेश्चंस और ले लीजिए, कुछ लोगों ने और हैंड रेस किए हुए हैं, ले लीजिए क्वेश्चंस। नरेंद्र चौहान जी, क्वेश्चंस जैसे कि अगर मिले जुले क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब ऑलरेडी हमने दे चुके हैं तो वो तो कोई बात नहीं। हाँ, किसी का कोई नया सवाल है, किसी का कोई नया क्वेश्चन है तो आप प्लीज ले लीजिए उन क्वेश्चंस। श्योर सर। नरेंद्र चौहान जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे दी है, प्लीज अनम्यूट करके बात करिए। नरेंद्र चौहान जी, चलिए जब तक के राम जी को हम अनम्यूट करते हैं। राम जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज आस्क योर क्वेरी सर। मिस्टर राम जी का कल भी क्वेश्चन था सर, ये 15 को क्लोज हो जाएगी या एक्सटेंड हो जाएगी फिर से? नहीं नहीं, क्लोज हो जाएगा सर, 15th इज द लास्ट डे। 14th को नहीं बताएगा ना? ना ना ना, इट इज ऑलरेडी सर। अगर हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आपको डेट्स कंफर्म कर रहे हैं कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच के लिए ये रॉयल पेंशन प्रोग्राम है, तो फिर हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? ओके सर, थैंक यू। ओके चौहान जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। हाँ चौहान जी, आप पूछ सकते हैं सवाल अपना। हाँ सर, मैं नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मैं ये कहता था अपना अच्छा अपना प्लान यही चल रहा था, तो भी ये बीच में तो ये बीच में जैसे BOC शुरू किया आपने, तो इसमें आगे चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली? चौहान जी, ऑलरेडी इस सवाल का हम जवाब दे चुके हैं, कृपया कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरों को चांस देंगे। जी सर, ये पूछना था मेरे को। सचिन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। यस सर, रगला रमेश जी, प्लीज आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाय सचिन, थैंक यू सो मच इनफैक्ट, एंड विवेक सर थैंक यू सो मच इनफैक्ट, आई मेट यू इन बैंगलोर। माय टीम इज ग्रोइंग स्ट्रांग, बट आई हैड कपल ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस व्हिच आई एम लाइक स्टक विद। इट माइट साउंड लिटिल स्टूपिड, बट इन टर्म्स ऑफ ये रॉयल पेंशन प्रोग्राम जो भी है, मैंने कल अपना पैकेज ए से सी को अपग्रेड किया है, तो जहां तक मेरा अभी तक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे नीचे के 31 ए से लेफ्ट एंड राइट में भी अपग्रेड होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो गए रॉयल पेंशन प्रोग्राम में, राइट? यस एग्जैक्टली। ओके, तो वी हैव टू टेल देम टू रॉयल पेंशन प्रोग्राम में। आप देखिए, दो तरीके हैं, या मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपका अपना ही पूरा पैकेज है कमांडर पैकेज, और आप अपने पूरे पैकेज को अपग्रेड करते हैं, तो दैट विल बी योर ओन इन्वेस्टमेंट इन इट, एंड देन आप रॉयल पेंशन प्लान के लिए वो कर जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा रास्ता क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने अपना एस स्ट्रक्चर ही लगाया था स्टार्टिंग में, या हेराल्ड लगाया था या गार्डियन लगाया था, और उसके बाद आपने अपनी टीम बिल्डिंग करी थी,
तो अभी क्या होता है कि जब आप अपना ऊपर का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको जब आप अपग्रेड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बिकॉज ऑटोमेटिकली हो या मतलब मैनुअली हो या ऑटो अपग्रेड हो, बट आपकी टीम का अपग्रेड तो होगा ही होगा। बेटर है कि वो बाद में हो, इससे अच्छा है कि आप उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें कि वो 15 से पहले पहले ही अपने पैकेजेस को अपग्रेड कर लें। तो उस केस में भी जब आपकी टीम अपग्रेड करेगी तब भी आप रॉयल पेंशन प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर, सो फार गुड, थैंक यू। नेक्स्ट है राजीव कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं। राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप पूछ अपना म्यूट अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था, अभी जो सर मेरा जो अभी पे आउट आया था ना सर संडे को, तो उसके अंदर जो मैं देख रहा था कि उसके अंदर जो मेरी मेरा कमांडर पैकेज है तो उसकी जो मेरी टॉप की आईडी है उसको मेरा पे आउट नहीं आया सर। हेलो, आप टिकट आईडी रेस राजीव जी? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ये रॉयल प्लान्स प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं दूसरे को मौका दूंगा। टिकट रेस कर दीजिए, आप टिकट रेस कर दीजिए, आपका आपको जवाब मिल जाएगा, आप टिकट रेस कर दीजिए प्लीज अपने डैशबोर्ड से। कौशिक कांत जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी है, कौशिक जी आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सचिन नेक्स्ट ले लो। केएमवी जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप अनम्यूट करके बात। हेलो हेलो, कौशिक हियर सर, केएमवी या कौशिक जी प्लीज सर, केएमवी केएमवी जी प्लीज सर, प्लीज आप बोल सकते हैं सर ऑटो अपडेट का कितने महीने लगेगा सर, वो पीरियड क्या है सर, हाउ मच टाइम इट विल टेक सर। सर हेलो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर आईडीज, लाइक इफ द हायर आईडीज, लाइक द आईडीज व्हिच हैव द यू नो हायर रैंक्स, दे विल अपग्रेड सूनर। सर आई एम इन कमांडर, आई एम इन कमांडर रैंक सर। हां कमांडर सर, हैव ओनली 3 आईडीज सर। सो अंडरस्टैंड the ranks, okay. Like it is your own commander package or it's a team package? No sir, it's my own commander ID. Okay, fine. So it's like your own commander package. So if it is it has gone for the auto upgrade, then in that case your higher ranks IDs will be like your commander and then your crusader, guardian, herald. These IDs will be upgraded sooner, and then your down IDs like your normal IDs will take a little more time just because they have the less income. Okay, sir. They have sir, the less income. Sir? So for those IDs, I would suggest you have EPTs arranged and then you upgrade it manually, these lower down IDs. Because see, what happens is, generally in these IDs, you don't get any income because you only get $5 every month as a gaming wallet. Okay, sir. So basically, these IDs are not productive IDs. Okay. So you can make them productive once you upgrade these IDs manually. So these okay. IDs will also become the productive ones, and every month these ID will give you $24 as a mining income. So my suggestion will be like you just do the manual upgrade for the lower IDs, and the higher IDs will when lower they will go for the auto upgrade they will upgrade it sooner. Sir, how much, sir? Maybe, how much time it will take, sir? Dear, I cannot tell you the time, how much time. You can easily, you can calculate yourself. Like, already $50 are there with us okay. for your down IDs. Okay. And you are getting $5 every month for okay. the gaming wallet. Okay. So, you can understand, like, it is like
first month when they will go for the auto upgrade, it will be only $55 with us. Okay. So for next, like how much will be the difference? 127 minus 55. Okay. The difference will be very big. So like it will take a lot of time. Maybe your entire subscription will go, for the upgrade. 52 weeks. Yeah. So better you do upgrade, you do manually upgrade these IDs. Okay, sir. 52 weeks. So one ID will give you $288 in 52 weeks. Like in a year, because every month you will be earning $24 as a mining income, and once you will convert these EPTs into ECN, it will give you a lot more. It will give you a lot more because ECN value will be increasing day by day, month by month. So you will earn very big income. Actually, you'll be right. You'll be earning in India. Then we update that one. Okay, sir. Then वो update कर सकते क्या sir? आप ये इस chain buy करके वो EPT लगा के sir? Sorry? EPT लेकर हम auto update नहीं वो हम upgrade manual update कर सकते हैं. Yes, you can do it. From through ECN. No, not through East. करके अपना क्वेरी कुछ है. हेलो मॉर्निंग सर. गुड इवनिंग. सर मेरा सवाल था, ये जो गेम वॉलेट में जो $5 जो आपके पास आता है, उसको अपग्रेड करने में अभी जैसे अभी पैकेज अपग्रेड ऑटोमेटिकली आपको अलाउ करता है, ये एक आईडी से दूसरा आईडी को अपडेट करने में हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको? ये नहीं कर सकते आप. अच्छा. जब आपका पैकेज रहेगा और आप पूरे पैकेज का आप जब अपग्रेड करेंगे, पूरे पैकेज को जब आप अपग्रेड करते हैं, तो आपके जितने भी आईडीज के ऊपर ये गेमिंग वॉलेट रहता है, ये एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आपका अगर कमांडर पैकेज है या आपका क्रूसेडर पैकेज है, तो जब आप पैकेज अपडेट के लिए जाएंगे या टीम अपडेट के लिए जब आप जाते हैं, तो आपके जितने भी आईडीज पर आपका गेमिंग वॉलेट है वो एक जगह पे आ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा. बट अगर आप चाहें कि उसको ट्रांसफर करवाए एक आईडी से दूसरे आईडी पे, तो ये आपका जो गेमिंग वॉलेट होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता सर. ठीक है. तो पैकेज वाले केस में ये टीम अपडेट के केस में ये एक जगह पे आ जाता है, आपके टॉप आईडी पे आ जाएगा ये, बट ये ट्रांसफर नहीं होगा एक आईडी से दूसरे आईडी पे. नहीं, अभी देखा गया टॉप आईडी में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने हाल ही में ये बी पैकेज में मतलब अपना से ये मैन्युअली अपग्रेड किया है, और बाकी जो अभी मंथली जो ईपीटी आएगा $5 ईपीटी आएगा वो तो ऐसे अनयूज रह जाएगा, इसलिए हम पूछ रहा था. आप अपने जो आपके अपलाइन है उनसे एक बार बैठिए, उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे. बिल्कुल ऑप्शन वहां पे रहता है, वो हो जाएगा. ओके. वन मोर क्वेश्चन सर, ये ऑटोपुट में जो आप बता रहे थे कि ये मतलब ऐसे पैकेज अपग्रेड करने के बाद ऑटोपुट में आ जाते हैं, वो ऑटोपुट ये ए पैकेज में आएगा कि मैं अपग्रेड करने के बाद जो ऑटोपुट में आता है जो वो बी पैकेज में ऑटोपुट में आएगा, उसका रेंज कैसे रहेगा? देखिए पैकेज ए में ऑलरेडी आपको कमांडर रॉयल्टी मिलती है, पहले से ही मिलती है, वो आपका ऑटो पुल ही है वो पैकेज ए का. बट यहाँ पर क्या है, फर्क क्या है उस ऑटो पुल और इस ऑटो पुल में? वो जो ऑटो पुल है उसमें हर महीने लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि कमांडर रॉयल्टी में जितने भी नए लोग आते हैं क्विक कमांडर बन जाते हैं, वो भी उस पूल के अंदर आ जाते हैं. यहाँ पे क्या होगा, जब आप पैकेज ए से पैकेज बी या पैकेज सी में आएंगे, जब आप रॉयल पेंशन प्लान में आते हैं, इस ऑटो पूल में आते हैं, तो यहाँ पर आपका बेनिफिट ये रहेगा कि 15 मई तक जितने लोग आएंगे केवल वही इस ऑटो पूल का हिस्सा बनेंगे, इस ऑटो पूल के लिए एंटाइटल्ड होंगे. उसके 15 मई के बाद ये जो पूल है क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद जितने लोग इस पूल के अंदर रहेंगे उन्हीं को इस पेंशन प्लान का, इस ऑटो पूल का फायदा मिलेगा फॉर लाइफ लॉन्ग. और उसके अलावा इसमें और लोग कोई बढ़ेंगे नहीं आगे, जस्ट बिकॉज कि कंपनी का टर्नओवर आगे मंथ बाय मंथ बढ़ता चला जाएगा, तो इसकी जो इनकम है वो भी हो सकता है. लेट सपोज कि मान लीजिए कि आपने आपको जून के महीने में ये एक्स इनकम आई आपके ऑटो पूल से, 1% में थे आप या 2% किसी भी पूल में थे, मान लेते कि आपको आपको एक्स इनकम आई है, तो इस बात के पूरे चांसेस रहेंगे कि आपको नेक्स्ट मंथ ये इनकम आपका 2x हो जाए या 3x हो जाए,
या 4x हो जाए, मतलब इस बात का हो सकता है शायद आपका कितने भी ये टाइम इनकम बढ़ जाएगा, तो और मंथ बाय मंथ आपका ये इनकम बढ़ता ही जाएगा जस्ट बिकॉज कि इसमें लोग लिमिटेड रहेंगे और टर्नओवर बढ़ता रहेगा, तो इसका जो इनकम रहेगा वो भी आपका बढ़ता रहेगा हर महीने। सर ऑटोपोल का, ऑटोपोल में एक आईडी क्वालिफाई कर जाता है, यही मेरा नॉलेज के हिसाब से ऑटोपोल में, ऑटोपोल कहने का मतलब ये कि एक आईडी क्वालिफाई हो जाता है अनदर राउंड के लिए जी, यही हमको बताया गया था। आप आईडी है वो हाँ, बी पैकेज को जब आप बता रहा था उस समय आपने बता रहा था कि एस आईडी को जब आप अपग्रेड करेगा तो एक आईडी ऑटोपोल में आएगा, टॉप आईडी ऑटोपुल में आता है, टॉप आईडी जो होता है वो ऑटोपुल में आता है, तो वो ऑटोपुल मतलब ए पैकेज में ही ऑटोपुल मतलब सर पैकेज ए को आप अभी रहने दीजिए ना, पैकेज ए की बात नहीं कर रहे हम, पैकेज बी और पैकेज सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये ऑटोपुल है पैकेज बी और पैकेज सी के लिए है, पैकेज ए के लिए नहीं है ये। जब आप इसको अपग्रेड करेंगे तभी आप इंटाइटल होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे इस ऑटोपुल में आने के लिए। जब तक आप इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, इसीलिए जो लोग ऑटो अपग्रेड कर रहे हैं दे हैव द लेसर चांस, लाइक दे हैव नो चांस टू कम इन दिस ऑटोपुल। द पीपल हु आर अपग्रेडिंग देयर पैकेजेस ऑन द लाइक मैनुअल मोड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम इन दिस ऑटोपुल। अभी चल रहा तो 15 को लास्ट है, और बाद में ये अनाउंसमेंट नहीं होगा ऐसे सेम से क्या चीज? नहीं, अभी जो रॉयल पेंशन का बारे में आप लोग बता रहा है, ये जो अभी लास्ट डेट 15 तारीख को बताया है, ये आगे में भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होने होगा क्या, ये यही मैं पूछ रहा था। नहीं, ये 15th में ही है लास्ट इसका, 15th मई तक जितने लोग आ जाएंगे वो उतने लोग इसके अंदर आ जाएंगे, उसके बाद ये सेम प्रोग्राम कभी नहीं होगा। नहीं, अब कभी नहीं का तो मैं नहीं कह सकता दूल्हे जी, फिलहाल ये मैनेजमेंट ही लास्ट डेट है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा, हम इसको कैसे एडवांस में आपको बता सकते हैं कि आगे ये फीचर आगे नहीं आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल, इट इज ऑलरेडी 8:48, एक और सेशन भी हमारा 9 बजे का लाइंड अप है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर के अपनी क्वेरीज को यहाँ पर रेज किया और उसके आंसर्स आप लोगों ने पाया। थैंक यू वेरी मच विवेक सर फॉर योर काइंड रिप्लाई फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।